फिर समझाऊंगा ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटे सेवंथ एट्थ नाइन्थ तीन क्वेश्चंस कर रहे हैं छुट्टी लिखो बेटे स्वैप रेशियो स्पेसिफाइड एंड व्हेन स्वैप रेशियो इज मिसिंग गिवन है और नहीं गिवन अरे ठीक है बेटे लिख लो जी कंसेप्ट 16 अभी लिख लो बेटे समझाऊंगा व्हेन स्वैप रेशियो इज मिसिंग बेटे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें स्वैप रेशियो दी हुई थी अगर मिसिंग है तो फॉलोइंग थ्री स्टेप्स विल बी फॉलोड आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू स्वैप रेशियो आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर ऑफ शेयर्स According to swap ratio, calculate shares to be issued to even shareholders. मुँह छोटा ना करें बेटे बताऊंगा ना. Calculate shares to be issued to even shareholders. Step 3. Calculate equivalent cash. Underline कर दे. Against shares for odd lot. Odd lot, that is fractions, for fractions. बेटे आराम से लिख लें पहले कोई जल्दी नहीं है. Step 1, identify even and odd number of shares according to swap ratio. Step 2, calculate shares to be issued to even shareholders. Step 3, calculate equivalent cash against shares for odd lot. कंसेप्ट 17 के ऊपर हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं फिर भी लिख लीजिए इन केस स्वैप रेशियोज मिसिंग जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था फोर्थ और फिफ्थ उसमें एक्सचेंज रेशियो मिसिंग थी निकालनी थी मैंने लिखवा दिया था फिर भी लिख लें बेटे मैंने तो कंसेप्ट बना दिया उसके ऊपर वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ वेंडर कंपनी अब ये वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं हमने निकाली थी इंट्रिंसिक वैल्यू बुक वैल्यू आप कैपिटलाइज वैल्यू भी निकाल सकते हैं फेयर वैल्यू से भी कर सकते हैं अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी दीज वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच आर एग्रीड अमंग ओल्ड एंड न्यू कंपनीज जो ओल्ड और नई कंपनीज के बीच में एग्री होकर बनी है चलिए जी अभी हमने 18 रुपए और 12 रुपए की वैल्यू दी थी एग्रीड वैल्यू नोट टू लिखे अगर हमें नहीं बताया जा रहा कि हम किस बेसिस पे एक्सचेंज रेशो निकालें तो बेटे सबसे बढ़िया बेस है इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे करें इन केस वैल्यूज आर नॉट गिवन देन वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू नोट 3 लिखकर छोड़ दें
ये भी लिखना बेटे, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स बाय परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी किस रेट में शेयर्स इशू करेगी, पहली प्रेफरेंस हम देंगे जो उनके बीच में एग्रीड हुआ है। अगर वो नहीं है तो बेटे फिर फेस वैल्यू लिख लें। कितनी मेहनत से बेटे एक एक पॉइंट का कंसेप्ट बनाया, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट बनाया, जल्दबाजी नहीं की, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट बनाया बेटे। इट मींस एग्रीड इशू प्राइस पर शेयर, एग्रीड इशू प्राइस पर शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी। इट इज जनरली गिवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन फॉर प्राइस वी विल टेक द फॉलोइंग प्रेफरेंसेस, देन वी विल टेक द फॉलोइंग प्रेफरेंसेस। बड़ी मेहनत की है बेटे, बहुत मेहनत की है, आपको क्या बताऊं, बस आप लिख लीजिए, आपको तो बादाम रोगर मिल रहा है बेटे, बादाम रोगर मिल रहा है। मैंने बादाम का पेड़ उगाया, फल आए, रस निकाला, जूस दे रहा हूं आपको। प्रेफरेंस वन, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी, और अगर एग्रीड भी नहीं दी, मार्केट प्राइस में नहीं दी, इंट्रिंसिक वैल्यू वो भी नहीं दी, पेड अप वैल्यू लिख लीजिए। लिख लिया जी, चलिए जी, अभी कुछ नहीं, आराम से बैठे। अब सुनना है, 5 मिनट की चर्चा है बैठे, ज्यादा कुछ है भी नहीं, आराम से बैठे, आराम से चलिए जी। और 10-12 मिनट में हम इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पीसी परचेज कंसिडरेशन इज बीइंग पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी फॉर विच स्वैप रेशियो is agreed, बेटे agreed होती है, or given, or can be calculated, कुछ भी बेटे हो सकता है, या तो given होगी या calculate कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, sometimes on the basis of स्वैप रेशियो, मैं अज्यूम करता हूं खाली समझाने के लिए, सपोज स्वैप रेशियो फॉर इक्विटी शेयर्स इज 13:7, मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स के लिए 13:7 की स्वैप रेशियो है, एंड एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, इसका मतलब 13 न्यू शेयर्स मिलेंगे हर 7 पुराने शेयर्स के बदले में। तो बेटे 1 लाख पुराने
शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे? 1 लाख इंटू 13 अपॉन 7 बेटे ये आ रहा है 1,85,714.285। चेक कर ले, आपके पास भी कैलकुलेटर है। अब बेटे ये जो शेयर्स आ गए ना, ये फ्रैक्शंस में आ गए। जैसे बेटे डेसिमल्स 0.285, तो ये तो फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है। अब बेटे शेयर्स कभी भी डेसिमल में तो इशू हो ही नहीं सकते। एटलीस्ट एक शेयर तो इशू करोगे, आप बोलोगे 0.28 शेयर्स ले लो, सोचने की बात है। तो बेटे मैं आज अभी अपनी होश में यही कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि अगर शेयर्स फ्रैक्शंस में आ गए तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे इसमें दो रास्ते बनते हैं, इन केस शेयर्स आर इन फ्रैक्शंस। बेटे अगर शेयर्स फ्रैक्शंस में, तो सवाल आता है, अजम्पशन नंबर वन और अजम्पशन नंबर टू, अजम्पशन वन और टू कुछ अलग अलग तरह की, वेदर इट इज अ केस ऑफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस, वेदर इट इज अ केस ऑफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस और वेदर इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस। आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा जी फ्रैक्शंस अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, वॉशरूम बार बार नहीं आना पूछना अब क्या करेंगे, मास्टर ने नहीं बताया, उपेश आला ने सब कुछ बताया। अगर आप पीसी कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको स्वैप रेशियो दी हुई है और फ्रैक्शंस आ जाती है, तो हम अपने आप से पूछेंगे क्वेश्चन में क्या जानकारी दी है, क्या वो लॉट बेस्ड फ्रैक्शन है या नॉर्मल फ्रैक्शन है। अब एक बच्चा कहता है लॉट बेस्ड और नॉर्मल क्या होते हैं? बेटे लॉट बेस ये होते हैं, जैसे मैंने आपको ये कहा कि आपके पास अगर 7 शेयर्स होंगे तभी मैं आपको 11 दूंगा। मतलब परचेजिंग कंपनी कह रही है कि भाई हमने तो 11:7 की रेशो रखी है ना, तो आपके पास पोटली में कम से कम 7 शेयर्स तो होने चाहिए, तभी हम आपको 11 शेयर्स की पोटली देंगे। एक बच्चा कहता मान लो 5 हूं। हाँ बेटे वही तो बताने जा रहा हूं, मान लो एक के पास 5 हैं तो उसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कम से कम 7 का लॉट होना चाहिए। तो बेटे इसको कहते हैं लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस। और अगर मैं कहूं नॉर्मल फ्रैक्शंस, तो बेटे इसमें 5, 7 और 11 की रेशियो है, 5 हैं तो 11 × 5/7 बेटे 55/7 ये आ जाएगा जी 7.85। तो ये 0.85 नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया, ये हमने लॉट बेस्ड नहीं किया। बेटे लॉट बेस्ड का मतलब है कि जो स्वैप रेशियो है उसी के मल्टीपल में लॉट्स होने चाहिए,
पेपर में अभी तक लॉट बेस्ट नहीं आया, बट ये मेरा प्यार है, सेवा भाव है कि मैं क्वेश्चन नंबर 7th के थ्रू सारी बातें बताने वाला हूँ। पढ़िए बेटे, 7th पढ़िए, आइए क्वेश्चन 7th पढ़ डाली, आइए मेरे बेटे, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटे। मैंने लिखा बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे सो रहे हैं, खड़े हो जाए बेटे, पानी पी के आ जाओ, अभी तो 10-12 मिनट रहते हैं क्लास खत्म होने में, अभी से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पानी पी के आ जाओ, आंखों में पानी डालो, कमर सीधी करो बेटे। बाकी बच्चे 7th क्वेश्चन पढ़ो, 7th पेपर में नहीं आया, मेरा प्यार है, मैं करा रहा हूं क्योंकि मुझे फ्रैक्शंस पता नहीं है। पढ़िए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। आराम से बैठे, एग्जिस्टिंग कंपनी इक्विटी शेयर्स, एग्जिस्टिंग कंपनी प्रेफरेंशियल्स, मतलब वेंडर कंपनी के स्वैप रेशियो, इक्विटी शेयर्स बेटे 13:7 है, बेटे यहां 11 ले लेता हूं, मुझे गलती से लग रहा था, चलिए कोई नहीं होता, मैंने अभी रेशो ली है। और प्रेफरेंस शेयर की है 11:9। केस वन, इन केस फ्रैक्शनल शेयर्स कैश विल बी गिवन, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शंस, अगर कुछ नहीं दिया होगा ना बेटे हम नॉर्मल फ्रैक्शंस ही लेते हैं। और दूसरा, इन केस ऑफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस, कम से कम 7 की पोटली, कम से कम प्रेफरेंस शेयर्स में 9 की पोटली, ठीक है जी, एग्रीड वैल्यू इक्विटी शेयर की बेटे 12 रुपए और बेटे प्रेफरेंस शेयर की 18 रुपए। पढ़ लीजिए बेटे, 1-2 मिनट की बात है। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में 7th क्वेश्चन आपको लेक्चर 3 ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कराने जा रहा हूं। मैं भूपेश आनंद आपका ही प्यारा, आपको कंसेप्ट समझाने का बीड़ा जिसने उठाया और एजुकेशन को बांटने का बीड़ा उठाया बेटे भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा है। मैं पहला केस ले रहा हूं, इन केस नॉर्मल फ्रैक्शंस, इन केस ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर देन लॉट बेस्ड फ्रैक्शन। आराम से बेटे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी एज पर नेट पेमेंट मेथड, पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग और बेटे अमाउंट। आराम से बेटे, बेटे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो रही है और बेटे इक्विटी शेयर्स में ही हो रही है, और अगर फ्रैक्शनल शेयर्स आएंगे तो कैश में हो जाएगी। देख लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूं, 13:7 इज एक्स
exchange ratio for equity shareholders. तो बेटे 1,00,000 इक्विटी शेयर्स को कितनी मिलेगी इनटू 13/7 बेटे ये आ रहा है 1,85,714.285 चेक कर लीजिए अब बेटे नॉर्मल फ्रैक्शंस में जो भी डेसिमल के बाद आता है उसका हम कैश देंगे हम लॉट बेस्ड फ्रैक्शन मान ही नहीं रहे अभी तो 285.285 तो मैं इसी चीज को लिख रहा हूं 13/7 × 1,00,000 नहीं अभी नहीं into 12 तो बेटे ये आ रहा है अभी निकाला था 1,85,714 और 0.285 कि बेटे कैश दे देंगे इनटू 12 यहां से गुणा करें तो ज्यादा अच्छा पहले शेयर्स निकाल लें फिर गुणा करें और इसका कैश दे देंगे बेटे नॉर्मल फ्रैक्शंस का केस है तो 1,85,714 इनटू 12 ये आ गया जी 22,28,568 और ये आ गया जी ₹3.42 आराम से बेटे कोई टेंशन है ही नहीं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेटे उनको भी प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं और कैश दे तो बेटे उनकी रेशो भी देख लेते इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सचेंज रेशो इज 11:9 तो बेटे 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 50,000 × 11/9 चेक करिए कितने शेयर्स आ रहे ये आगे जी चेक करिए 61,111.111111 चेक करिए तो बेटे जितने पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं इसका कैश मिलेगा और ये प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे ये है बेटे नॉर्मल फ्रैक्शंस नॉर्मली करिए नॉर्मली के पे जितने डेसिमल्स के बाद हैं उसका कैश दे दीजिए तो यहां पे लिख रहे हैं ₹11/9 × 50,000 = ₹61,111 कैश 0.11 इनटू एग्रीड वैल्यू कितनी है 18 × 18 तो ये आ गया जी 10,99,998 और ये ₹2 बेटे ये आपके पास पीसी का अमाउंट आ गया बेटे मेहनत कर रहे हैं मेहनत कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे जल्दबाजी नहीं कर रहे बेटे खून निकाल रहे खून बेटे मन से बता रहा हूं कोई नहीं बताता फेस टू फेस में भी कोई नहीं बताता यहां तो फ्रैक्शंस की बातें कर रहा हूं लॉट बेस्ड नॉर्मल ओए होए बेटे इसी क्वेश्चन को अभी हम करने वाले हैं बेटे इसी को करेंगे पहले इसका टोटल लिखिए 33,28,571 अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा लॉट बेस्ड अगर हो तो फिर क्या करेंगे आराम से बेटे चलिए जी केस टू
केस शेयर्स आर इश्यूड इफ इफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस इफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस आर कंसिडर्ड बेटे लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस अगर ली जाए तो फिर क्या बेटे मतलब आपके पास कम से कम इक्विटी शेयर्स के केस में 7 का लॉट होना चाहिए और प्रेफरेंस शेयर के केस में कम से कम 9 का लॉट होना चाहिए तभी आपको इसके बदले में 13 शेयर्स मिलेंगे और इस केस में इसके बदले में 11 शेयर्स मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे तो बेटे इसमें हम पहले क्या करेंगे 7-7 के लॉट निकाल लेंगे वो मैं बताता हूं आप लिखिए स्टेटमेंट ड्रॉइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी इफ लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस आर देयर लॉट बेस्ड फ्रैक्शंस आर देयर पेमेंट टू पेमेंट इन working about payment to payment in working and about get a payment to equity shareholders in equity shares and in cash payment to preference shareholders in preference shares and in cash तो यहाँ पर total आ जाएगा मुश्किल नहीं है logic technical बात समझने की lot based fractions का मतलब क्या है और किसी ने नहीं कराया कोई कराता ही नहीं है बेटे प्यार है ना क्या करो 13:7 तो बेटे 13:7 की एक्सचेंज रेशियो है और 100,000 शेयर्स हैं तो पहले तो नंबर ऑफ लॉट्स निकाल लेते 100,000 भाग में 7 यानी 14,285 लॉट्स 7 शेयर वाले मतलब आप 7 शेयर दे दो 7 दे दो हम आपको 13 देंगे बेटे ऐसे लॉट 14,285 हैं 7 शेयर वाले अब बताइए जी आगे क्या करें चौदह दो सौ पचासी लॉट को 7 से गुणा करें तो ये टोटल शेयर्स आते हैं जी 99,995 तो ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स चलिए समझ आ गया जी 5 शेयर्स को हम कैश देंगे क्योंकि वो लॉट में नहीं आ रहे चलिए शुरू करते हैं मैं सीधा ही 99,995 यहां लिख रहा हूं और 5 यहां लिख रहा हूं जगह कम है करवा तो चुका हूं इनटू 12 तो 22 लाख
28,460 इंटू 13/7 मतलब 5 शेयर्स है ना बेटे, तो उसको 13/7 तो करना ही पड़ेगा, 111 बेटे, इसको भी तो 13/7 करना पड़ेगा बेटे। हेलो, मुझे लगा आपको समझ आ रही है। 99,955 को 13/7 करें तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, जैसे यहां पर देख लीजिए आप, ये निकाले थे ना, तो 99,955 13:7। अब देखिए तो यह है 99,955 इंटू 13/7, ये आ जाएंगे जी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय परचेजिंग कंपनी, इसको गुणा कर देंगे एग्रीड वैल्यू से। फिर वो 3 शेयर्स बच गए, 5, उसको भी निकाल लीजिए, 5 इंटू 13/7 ये कितना आया, ये आ गया जी 9.28 इंटू एग्रीड वैल्यू, तो चलिए जी यहीं पे लिख रहे हैं इंटू 12, तो 111 आ गया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बेटे एक्सचेंज रेशियो कितनी है, 11:9, सो नंबर ऑफ लॉट्स विल बी 50,000 इंटू 11/9, जरा चेक करते हैं जी, 50,000 इंटू 11/9 ये आ गया जी 50,000/9 ये आ गया जी 5,555.55 लॉट्स। तो बेटे हम यहां तक ले लेंगे 5,555 इंटू नो, ये आ गया जी 49,995, तो पूरे लॉट में आ रहे 5 कैश में, यही है बेटे। चलो शुरू करें, 11/9 इंटू 49,995 इंटू 18, 11/9 इंटू 5 इंटू 18, आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटे, बेटे मिसिंग है वर्ड, तो मैं लिख रहा हूं 10,00,000 बुक में मिसिंग है, 10,99,890 चेक करिए, तो यहां लिख रहा हूं जी 10,99,890 और ये 110 रुपए लिखा हुआ है, बेटे आंसर बिल्कुल ठीक है, पिक फिगर एक मिसिंग थी, 33,28,571 बिल्कुल ठीक आ गई। ये लो जी पीसी, लो सर मैंने कैलकुलेट कर दिया बेटे, मैंने लॉट बेस बना दिया, नॉर्मल फ्रैक्शंस बता दिया, अब मैं लास्ट एक दो क्वेश्चंस करके आज की क्लास को कंप्लीट करूंगा, तो मैं आ रहा हूं जी 9th क्वेश्चन में, 9th आपके पेपर में आया हुआ है, 10th भी पेपर में आया हुआ है, तो
आइए जी नाइन्थ और टेंथ को एक बार कर ले। आइए बेटा आओ जी बेटे हाँ बेटा बेटे बस दो ही क्वेश्चंस रह गए और आज की क्लास कंप्लीट होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर एट और बेटा नाइन्थ आइए जी एट्थ को एक बार देख लें कि हमने एट्थ में क्या क्या लिखा हुआ है। बेटे आपके पेपर में आया The balance sheet is as follows. Share capital, बेटे कंपनी का नाम है Dreamers Limited. Preference shares, equity shares, reserve, debentures, liabilities, assets, fixed assets, investments, current assets. Performance Limited.